दोस्तों दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है नींबू का पौधा, लेमन प्लांट। तो दोस्तों क्या आपके जो नींबू के पौधे हैं वो 4 से 5 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक उसमें फल फूल नहीं आ रही है? नींबू का पौधा अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, उसमें फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, फ्रूट्स के साइज बड़े बड़े नहीं हो रहे हैं, इस तरह की समस्या अगर आपके पौधे में बनी हुई है तो यह जो चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ के सहायता से आपके नींबू के पौधे में यह सारी समस्या दूर हो जाएगी। बस आपको 1 चम्मच इस चीज़ का इस्तेमाल करना है और आपके पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे फल भी जो है दोस्तों वो बनने लगेंगे और अगर फल बने हुए हैं पौधे में तो फल के साइज भी बहुत ही अच्छे खासे बड़े बड़े साइज के होने लगेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास ये क्वेरीज बहुत ज़्यादा आती है दोस्तों, जो भी मैंने नींबू से रिलेटेड वीडियो शेयर किया हुआ है उसमें यह कमेंट आते हैं कि उनका जो नींबू का पौधा है उन्होंने नर्सरी से ला के बाय केयर करके जो है अपने गमले में लगा के रखा हुआ है लेकिन उनके पौधे में किसी भी तरह की फ्लावरिंग हो ही नहीं रही है। नींबू का पौधा 4 से 5 साल का हो गया है लेकिन फिर भी अभी तक फ्लावरिंग करना स्टार्ट नहीं हुआ है। फ्लावर्स अगर आते भी हैं तो वो झड़ जाते हैं, वो फिर फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं होते। नींबू के पौधे को अपने गार्डन में इसीलिए लगाते हैं दोस्तों क्योंकि हमारा उससे मेन उद्देश्य यही रहता है, फ्रूटिंग लेना। जब नींबू का पौधा 4 से 5 साल का हो चुका हो तो हमें उससे फ्रूटिंग मिलनी ही चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने पौधे को समय समय पे न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी दोस्तों, तभी आपका पौधा फ्रूटिंग करेगा। और जब भी आप नर्सरी से नींबू का पौधा बाय करो तो आप एक चीज का ध्यान रखो कि वहां से आप सदाबहार नींबू के पौधे ही लो। और आज जो मैं फर्टिलाइजर बताऊंगी दोस्तों उसको आप तेज गर्मी में ना इस्तेमाल करें, बरसात के सीजन में आप कर सकते हो, अभी आने वाली ठंडियों के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी के टाइम पे आप उस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आएगी, पौधा नई नई फ्लावरिंग करना शुरू हो जाएगा। ये जो मेरा पौधा है दोस्तों इससे मैंने एक सीजन फ्रूटिंग ले चुकी हूँ, इसमें फ्रूट्स आए हुए थे। इसके वीडियोज मेरे चैनल पे बहुत सारे आप सभी को मिल जाएंगे, यहाँ साइड में मैं आप सभी को पिक्चर भी दे दूंगी। इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्रूटिंग हुई थी, उसको जब हार्वेस्ट में कर ली हूँ तो देख सकते हैं नेक्स्ट सीजन जो है मेरा पौधा बहुत ही अच्छा खासा फिर से फ्लावरिंग लेके आ रहा है और छोटे छोटे फ्रूट्स भी बनना शुरू हो गए हैं। तो इस टाइम पे पौधे को पूरा प्रॉपर न्यूट्रिशन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है वो नींबू के पौधे को 12 इंच के गमले में लगा के रखा हुआ है। आप भी जब भी नींबू का पौधा लगाएं तो हमेशा यही प्रेफर करें, या फिर जमीन पे लगाएं या तो फिर बड़े गमले में लगाएं। छोटे गमले में कभी भी नींबू के पौधे को ना लगाएं क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो होते हैं, घने होते हैं, तो उसको ज्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है इसलिए। उसके बाद देख सकते हैं गमले की मिट्टी बहुत ही अच्छी खासी एकदम सूखी बनी हुई है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सबसे पहले जो भी खरपतवार निकले हैं बरसात के टाइम पे उनको आपको हटा देना है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है दोस्तों यह करना है कि अभी जो है आपको पौधे की जो भी ऊपर के टिप है उनको हल्की हल्की कटाई कर लेना है। उससे जो है दोस्तों, क्योंकि ये हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें अपने पौधे से अभी ग्रोथ नहीं लेनी है, अभी हमें अपने पौधे को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए एक्टिव करना है। मैं अपने इस पौधे में यह ट्रीटमेंट जो है दोस्तों 1 महीने पहले ही करी हुई थी। देख सकते हैं पौधे में बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है और छोटे छोटे साइज के फ्रूट्स भी बन रहे हैं। उसी तरह से इस पौधे में जो है वो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो अभी मैं क्या करूंगी इस पौधे की सारे ही पौधे की टिप की बहुत ही अच्छे से कटाई कर लूंगी। कटाई करने के बाद जो भी सूखी हुई ब्रांचेस हैं उनको भी आपको कट कर लेना है क्योंकि सूखी हुई ब्रांचेस जो होती हैं दोस्तों वो मकड़ियों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और मकड़ियां अगर आपके पौधे में आ जाएंगी तो फिर वो जाला बना देंगी और पौधे में डाइबैक जैसी समस्या बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो फिर पौधे में फ्लावरिंग भी नहीं होगी और फ्रूटिंग भी नहीं होगी, इसलिए आप यह काम सबसे पहले करें। उसके बाद आपको जो काम करना है दोस्तों वो क्या करना है, कटाई करने के बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है दोस्तों वो यह करना है कि आपको एक लकड़ी लेना है और उसकी सहायता से इस तरह से गमले में साइड साइड पे आपको होल कर लेना है क्योंकि बार बार जो है दोस्तों हम गमले की मिट्टी की गुड़ाई नहीं कर सकते हैं। अगर बार बार हम लोग गमले की मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो फिर जो है वो रूट्स को जो है दोस्तों एडजस्ट होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए आप गमले की मिट्टी की बार बार गुड़ाई ना करें। आप कोई लकड़ी वगैरह या फिर छड़ वगैरह के सहायता से इस तरह से होल कर लें ताकि जो भी न्यूट्रिशन हम लोग देंगे वो नीचे रूट्स तक एकदम पहुंच जाए। तो इस तरह से आप कर सकते हो, देख सकते हैं मैंने चारों ही ओर से कर दिया हुआ है।
उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई गुड़ाई भी नहीं करना है और कुछ भी नहीं करना है, आपको लेना है यह चीज। यह क्या है दोस्तों, यह है सीवीड ग्रेन्यूल। यह आपको मार्केट में कोई भी नर्सरी वगैरह से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सीवीड ग्रेन्यूल जो होते हैं दोस्तों, इसके बहुत ही ज्यादा फायदे होते हैं। यह फल फूल लाने में हमारे पौधे को बहुत ही ज्यादा प्रेरित करता है। इसमें बहुत सारे एक ऐसे माइक्रोन्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो पौधे को फल फूल लाने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए अगर आपके पौधे में फल फूल नहीं आ रहे तो आप इस फर्टिलाइजर का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। तो इसको आपको क्या करना है, इस तरह से ऊपर से ही बिखेर देना है। ये पानी में बहुत ही जल्दी घुल जाता है दोस्तों, जैसे जैसे पानी जैसे अभी बरसात होती ही है तो पानी आएगी, ये बहुत ही अच्छे से घुलते जाएगा, पौधे को न्यूट्रिशन मिलते जाएगा। उसके बाद चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ कि जो दूसरा चीज़ हमने आप सभी को दिखाया हुआ था उसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि यह जो चीज़ है दोस्तों, यह क्या है। तो ये जो है दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट ये बहुत ही अच्छा मैग्नीशियम का सोर्स होता है। इसमें इसको मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है और मैग्नीशियम की सहायता से पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होती है। इसको नमक समझने की गलती ना करें दोस्तों, इसमें एप्सम सॉल्ट में बोल रही हूँ तो आप नमक इसको ना समझे। ये आपको बहुत ही आसानी से नर्सरी वगैरह से मिल जाएगा। ये एक फर्टिलाइजर है या फिर आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। तो इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है वो चलिए मैं अब आप सभी को बताती हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है एक स्प्रे बॉटल। इस तरह से आपको एक स्प्रे बॉटल ले लेना है और स्प्रे बॉटल में जो है दोस्तों, ये जो हमारा था मैग्नीशियम सल्फेट, इसको आपको क्या करना है, हाफ टेबल स्पून इस तरह से डाल देना है। इस तरह से हाफ टेबल स्पून डाल देना है और ये जो हाफ टेबल स्पून बचा हुआ है इसको आपको ऊपर से इस तरह से छिड़क देना है गमले की मिट्टी में। और ये जो स्प्रे बॉटल में हमने इसमें डाला हुआ है ये बहुत ही आसानी से घुल जाता है। ये देख सकते हैं कुछ बाहर निकल गए हैं, इनको भी मैं इस तरह से डाल दूंगी। और डालने के बाद आपको इसको बंद करके और अच्छे से सबसे पहले सेक कर लेना है। इस तरह से डालने के बाद आपको सबसे पहले बहुत ही अच्छे से सेक कर लेना है। आप इसको सेक करोगे ये बहुत ही आसानी से घुल जाएगा। उसके बाद पूरे ही पौधे में आपको बहुत ही अच्छे से इसका स्प्रे कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे ही पौधे को बहुत ही अच्छे से स्प्रे कर देना है। एकदम अच्छे से स्प्रे करना है जैसे कि आपका पूरा जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे से नहा जाए। एक भी स्पेस जो है दोस्तों वो पौधे का ना छूटे, सारा ही पौधा का जो भी जगह है वो बहुत ही अच्छे से भीग जाए। इस तरह से आपको घुमा घुमा के अच्छे से स्प्रे कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि गमले में हमने यहाँ पे सीवीड दिया हुआ है और एप्सम सॉल्ट दिया हुआ था, तो आपको क्या करना है ऊपर से 1 से 2 लीटर कम से कम पानी दे देना है। पानी देने के बाद आपको जो है दोस्तों एक दिन के लिए इसको छाईदार जगह पे छोड़ना है, अगर अभी धूप हो रही है तो। और अगर अभी धूप नहीं हो रही है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दे, बरसात का पानी अगर आए तो पौधे को लगने दे, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपने पौधे में इसका इस्तेमाल महीने में एक बार कर सकते हो। इसके इस्तेमाल से पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फल फूल आने के लिए भी तैयार हो जाएगा। पौधा बहुत ही अच्छी खासी फल फूल लेके आएगा और पौधे में बहुत सारी जो है वो जो भी फ्रूट्स आएंगी वो बड़े बड़े साइज की आएंगी। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छा लगा दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगी उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।